आप सभी मित्रों को, दर्शकों को जय श्री सीताराम, राधे राधे। मित्रों मित्रों, क्या होता है कि आज एक घटना का याद आ गया मन में जो है। और घटना क्या है कि गांव में क्या होता था, पहले लोगों के पास में कपड़ा नहीं होता था पहनने को, या कभी सूखा नहीं होता था। जैसे मित्र मेरा भी देखो कि आप एक मल्टी कलर टी शर्ट ही हम हमेशा पहने रहते हैं, टी शर्ट एक ही है। अचानक वीडियो की शुरुआत करनी पड़ी, अब टी शर्ट ले भी नहीं पाया हूँ। और मित्रों लेंगा किसी दिन, जिस दिन लेंगा उस दिन लेंगा। अब टी शर्ट के अंदर बनियान भी दिखती है, तो बनियान भी वैसे साफ ही है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, जो है मैं डेली धुलता हूँ। अब होता क्या है कि गांव में एक बार की बात है कि एक मित्र ससुराल जा रहे थे, और मित्र बहुत प्रिय थे, तो उन्होंने घर से निकले, अपने घर से तो मेरी घर की तरफ आए। तो हमने कहा मित्र कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि भैया ससुराल जा रहे हैं। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात, ससुराल जैसा कोई राल नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप भी चल लीजिए। हमने कहा कि अगर आप पहले बताए होते तो मैं तैयारी कर लेता, कुछ कपड़े लत्ते जो भी मेरे पास थे वो धुल लेता और चल देता। ससुराल जा रहे हो भाई, अच्छी जगह जा रहे हो, ससुराल में जो इज्जत होती है वो कहीं नहीं होती है। उन मित्र ने कहा कि ऐसा मित्र है, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, कपड़े मेरे पास हैं, आप पहन लीजिए, चाहे मेरा और आपका कोई बदला है, कोई बांटा है, ऐसा अक्सर हुआ करता था। तो ये भी कहावत है कि देते ले तो मन शंकन धरही, देते लेते समय मन में शंका भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मित्र अगर आपका इतना प्रेम है तो आप क्या करिए, आप दे दीजिए कपड़े और मैं आपकी ससुराल आज घूमना चाहता हूँ। क्योंकि घर पे क्या था, काम धाम भैया कुछ था नहीं, और काम धाम होता भी है तो हम जैसे लोग काम धाम कर नहीं पाते थे। तो मैंने कहा कि घर पे गाली खाने के बजाय घर में कोई इधर गाली दे रहा है, कोई उधर गाली दे रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, चलो तुम्हारे ससुराल में एक आध दिन काट आते हैं हम। समय काटना था, अब तो समय है ही नहीं, समय काटेगा। तो मित्रों वो मित्र जो है कपड़ा अपना दिए, और कपड़ा देने के बाद में मैं उनका कपड़ा पहन लिया और उनके ससुराल में गया। ससुराल में जब पहुंचा, तो ससुराल में जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी आसपास की सालियां होती हैं, सजा सब कुछ सुना मैंने, सालियां सुना और साले सुना, माताएं पिताएं, अच्छा पिताएं भी नहीं होता है, एक पिताएं और पत्नियां, ये तो थोड़ा कम सुनने को मिलता है। तो मित्रों जब उसके ससुराल में उनके पहुंचा, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, और उन्होंने भव्य स्वागत के बाद में कहा कि चलो भैया बगल में जो है एक रहती हैं मैडम है सहेली की, तो सहेली की मैडम है, तो मैडम की सहेली है जो भी है, तो उनके पास में गए हम लोग। पहुंचते ही वहां पे बड़ा भव्य स्वागत हुआ, भाई ससुराल ससुराल होती है। जब स्वागत हुआ तो उन्होंने कहा कि मित्र ऐसा है, अब चूंकि सावन का महीना था और सावन के महीने में आपको पता है सब हरियाली होती है, लड़कियां सारी अपने मायके में होती हैं, वहाँ पे झूला होता है, झूला इधर से उधर पेंगी मारते हैं, झन झन जो है उड़ते हैं लोग उसी में, तो सारी लड़कियां वहाँ पे इकट्ठा हुई, बहुत सारी उस गांव की मोहल्ले की जो लड़कियां थी। तो उन्होंने कहा कि भैया का परिचय, उन्होंने कहा भैया बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और मैं आ रहा था रास्ते में मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चल लेता। हमने कहा क्यों ना चल लो, लेकिन क्या था कि इनका कपड़ा जो है सही साफ नहीं था, तो मैंने कहा मेरे कपड़े पहन लो। तो कपड़े तो मेरे पहन के आए हैं, अब मित्र मुझे तो बड़ा बहुत बुरा लगा। वहां से जब मैं निकला, हमने कहा कि ये बताओ कि उन्होंने मेरे बारे में पूछा था या कपड़े के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा मित्र गलती हो गई। तो हमने कहा कि यार गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी भी कि मैं तुम्हारे साथ में चला आया। उन्होंने कहा कि अब नहीं कहूँगा, वहाँ से दूसरी जगह निकले, गांव मोहल्ला होता ही आसपास में घर होता है, दूसरी जगह पहुँचे तो वहाँ पर जो है वहाँ भी आवभगत हुआ, भाई पैर वहाँ पे पैर धुलते हैं लोग, पैर धुला गया जो है, तो पैर धुलते समय ये हुआ, भाई ये आपके, ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और क्या है कि ये कपड़े, अब लोगों ने पूछा कपड़े, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, लोगों ने कहा नहीं कपड़े क्या हैं, कहा कि कपड़े जो ये पहने हैं ना ये इनके खुद के हैं, ये मैंने नहीं दिए हैं। अब भाई मुझे बहुत बुरा लगा, हमने कहा कि फिर कपड़े। तो मित्रों जो है वहां से निकले, और मैंने फिर मित्र पे नाराज होना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मित्र ऐसा है कि गलती से इस बार भी निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर और जाना हुआ तीसरी जगह, जब वहां पर हम लोग पहुंचे तो वहां पर भी आवाभगत हुआ। आवाभगत होने के बाद में वो कहते हैं कि मित्र
ये आपका परिचय, ये कहते हैं ये हमारे बड़े परम मित्र हैं, ये हमारे कहने से साथ में आए हैं, लेकिन क्या है कि हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो लोग सोचने लगे, हमने कहा कि भाई बेइज्जती तो आपसे सीखे, आप कह भी रहे हो, बेइज्जती भी कर रहे हो और कह रहे हो कपड़ों के बारे में आप कुछ नहीं कहोगे। तो मित्रों क्या होता है कि कभी कभी आदमी परिस्थिति बस, और आप जो गांव के लोग हैं वो जानते भी होंगे, दूसरे का शर्ट भी लोग पहन लेते थे, मांग लेते थे, दूसरे का पैंट भी मांग लेते थे, दूसरे के कपड़े मांग करके पहन लेते थे लोग घर में भी, जो है मतलब क्या बाहर का हम पहने हैं, खुद पहने हैं मित्रों, ये खुद की घटना है नहीं लेकिन है ही मान लो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, इस तरह की घटनाएं भी, कहानियां भी आप लोगों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।